पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राजस्थान के उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में आज हिंदू संगठनों ने मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होकर ओम के साथ भगवान राम का जाप किया और हत्यारों को जल्द फांसी दिए जाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगभग 800 मीटर जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमीन पर बैठकर ओम का जाप किया। ओम के जाप के बाद सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जल्द फांसी दी जाए। साथ ही कहा कि ऐसी मानसिकता के लोगों को यदि पुलिस नहीं सुधार पाएगी तो हिंदू संगठन के लोग अपने हाथों में हथियार लेकर इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। यहाँ डीएम महोदय को मुरादाबाद महानगर में हमने ज्ञापन दिया है। राजस्थान में उदयपुर में जो निर्दय हत्या कर दी गई कन्हैया लाल जी की, तो यह हत्या कोई अचानक हुई भी हत्या नहीं है, यह सोची समझी साजिश है। और कहीं ना कहीं हमारे देश में आतंक लोगों के मनों में पनप रहा है, लोगों के मनों में ये तालिबानी मानसिकता जो पैदा हुई है, इस मानसिकता को समाप्त करने के लिए इनको कुचलना पड़ेगा। यदि हम इनकी मानसिकता को नहीं कुचलेंगे तो ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी और आगे चल के जब हिंदू समाज उठेगा, जब हिंदू समाज इसके अपनी आवाज़ उठाएगा तो जरूर गृह युद्ध की ओर ये दिशा है, ये देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि राजस्थान की सरकार को भंग करके और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जिन लोगों जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं, दारुल उलूम जैसे देवबंद में ऐसे मदरसों में पढ़कर ऐसी मानसिकता पाले बैठे हैं, उन लोगों को सोच लेना चाहिए कि बजरंग दल इस देश के अंदर काम करता है। बजरंग दल का प्रत्येक युवा, यदि आप हमें ऐसा चैलेंज देना चाहते हैं तो हम आपका चैलेंज स्वीकार करने को तैयार हैं और यह चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। आज के बाद यदि ऐसी हत्या, ऐसी मानसिकता पाली जाएगी तो हम स्वयं हथियार लेकर और इस मानसिकता से लड़ेंगे। यदि प्रशासन इसको, सरकार इसको नहीं ध्वस्त करती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता इसको ध्वस्त करेंगे। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना हो उस हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।